चुनाव सामने हैं, बौखलाए हुए हैं बिहार के लोगों ने, आवाम सारी समझ गई है उनका प्राइवेट कंपनी को। लेकिन इनको तो जब मौका मिला था कि तो पंचायत तक में आरक्षण नहीं दिए थे, काहे नहीं पूछते हैं क्यों नहीं आरक्षण दिए पंचायत? तो आरक्षण विरोधी हैं, इस तरीके का आरोप आप लोग पे लगा रहे हैं। ये परिवारवाद के अलावा कुछ समझ में आता है इन लोगों को? एक श्याम के खातिर नीतीश के सारे फौज आज मैदान में उतर गए थे। हम बात कर रहे हैं श्याम रजक की। श्याम रजक पहले राजद में थे और आज ही उन्होंने जदयू का सदस्यता ग्रहण किया। जदयू के राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाया। लेकिन श्याम रजक की ताकत इससे समझी जा सकती है कि नीतीश के कई मंत्री, सबसे करीबी मंत्री भी यहाँ पे पार्टी कार्यालय में उन्हें सदस्यता दिलवाने में मौजूद थे। बात करें बिजेंद्र यादव, मंत्री विजय चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और कई बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे। आप श्याम रजक की ताकत को समझ सकते हैं कि इतनी ताकत है कि नीतीश के सारे फौज आज जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुँचे श्याम रजक को सदस्यता दिलवाने के लिए। इस बीच जदयू के राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री जमा खान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। उनके पे आलोचना हम नहीं करना चाहते, वो आप भी जानते हैं, चुनाव सामने हैं, बौखलाए हुए हैं बिहार के लोगों ने, आवाम सारी समझ गई है उनका प्राइवेट कंपनी को, इसलिए वो लोग बौखला कुछ भी करें उसे मैं कोई आलोचना कोई टिप्पणी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरा बिहार ने नेता का काम देखा है, काम करना तौर तरीका देखा है, पूरे बिहार के हर समाज के लोग उनसे प्यार करते हैं, आने वाले दिनों में सबकी जमानत जब्त होगी, नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी पूर्व बहुमत से। क्या बोलना है, उनकी बैठक हो रही है, हम क्या बोलेंगे बोलिए। यहाँ पे आप जानते हैं नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार की आवाम पसंद करती है, चाहती है, प्यार करती है उनको काम देखकर, काम करने तो तरीका देखकर, वो ड्रामा नौटंकी नहीं करते हैं, वो काम करते हैं, काम के नाम से देश दुनिया में जाने जाते हैं, इसलिए बहुत सारे साथी हमारे पार्टी में आ रहे हैं जो आप देख रहे हैं। श्याम रजक जी को लाए साथ में, किसी त्यागी ने इस्तीफा दिया? नहीं नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम लोग पार्टी में हैं, हम लोग सीनियर हैं और नेता के हमारे करीबी हैं और इसके बाद वो पार्टी में हैं, काम करेंगे। क्यों नहीं करवाए थे जातीयगत? और हम लोग जब इंडिया गठबंधन में थे, नीतीश जी ने मुंबई के मीटिंग में कहा कि एजेंडा में डालिए जातीय गणना, इनके जितने सारे साथी हैं इनके गठबंधन के सब ने विरोध किया वहाँ, और गन्ना ही नहीं कराया मुख्यमंत्री जी ने, आई कब किया जब बीजेपी भी साथ था जातीय गन्ना, और उस गन्ना के आधार पर उन्होंने तय किया कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी, जो गरीब हैं 94 लाख उनको मदद किया जाएगा, उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हैं और सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इनको तो जब मौका मिला था कि तो पंचायत तक में आरक्षण नहीं दिए थे, काहे नहीं पूछते हैं क्यों नहीं आरक्षण दिए पंचायत? तो आरक्षण विरोधी हैं, इस तरीके का आरोप आप लोग पे लगा रहे हैं। ये परिवारवाद के अलावा कुछ समझ में आता है इन लोगों को? आरक्षण विरोधी है तो 2005 में पंचायत में दलित को, अति पिछड़ा को आरक्षण किसने दिया 2006 में? ये तो पंचायत में भी आरक्षण नहीं दिए थे, नीतीश कुमार जी जब आए हैं तब उन्होंने आरक्षण दिया। और ये जातीय गन्ना सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी का आइडिया। सर, आपने सुना जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयानों को, कहते नजर आ रहे हैं आरक्षण को लेकर। हालांकि आज प्रदेश कार्यालय में श्याम रजक की एंट्री हुई, राजद छोड़कर आज जदयू में शामिल हुए और आरक्षण के मसले को लेकर संजय झा साहब कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो काम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सोचा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही देन है क्योंकि जाति आधारित गणना हुई। वहीं जमा खान मंत्री, उन्होंने भी स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारे नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं, साफ छवि है और उनके ही कारण से कई लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करें, अगर ये खबर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं सतन सिंह पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।